हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल द मेकोपीडिया में स्वागत है। यहाँ आपको मेकअप से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी और साथ ही मेकअप प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू भी देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये देखिए, चलिए अब हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। पैकेजिंग तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। देखिए यहाँ पे ऐसा एड्रेस, इस तरह का कुछ पैकेजिंग है इनका। चलिए इसे खोलते हैं। वाओ, तो देखिए इस तरह से कुछ है इसके अंदर। ये मेरा 2 महीने मंगाया था गाला ऑफ लंदन। इसमें ये बिल है। देखिए यहाँ प्राइस लिखा हुआ है। एक का प्राइस था 120, तो मैंने 2 ऑर्डर किया तो मुझे पड़ा 238 पड़ा है। चलिए इसे खोलते हैं। ये देखिए, ये है पाउडर, ये शेड है पर रोजी ग्लो। चलो ये भी दिखा दूँ। इसका नेट वेट है 40 ग्राम। ठीक है, इसे हम 4 साल तक यूज़ कर सकते हैं। इसे ज़रा खोल के दिखा देती हूँ। देखिए ये कुछ इस तरह से रहेगा। ये जो ऊपर प्लास्टिक है ये खोल लेना होगा। ऐसे निकल जाता है। उसके बाद इजीली जो प्रोडक्ट है वो हम इसमें निकाल सकते हैं। प्रेस करने से प्रोडक्ट निकल जाता है इजीली। जितना भी चाहिए हमें वो हम इसमें निकाल के और यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं ज़रा थोड़ा यूज़ करके बताती हूँ। रोजी ग्लो है प्रोडक्ट, रोजी ग्लो शेड का, काफी अच्छा है। जिस तरह से ये सब हो जाता है, स्किन में पूरी तरह से मेल्ट हो गया। टेक्सचर काफी बढ़िया है, बहुत अच्छे से ये मेकअप को सेट करता है, हमारे बेस को बहुत अच्छे से सेट करता है। ये देखिए स्किन में पूरा एब्जॉर्ब हो गया, ये अच्छे से मिक्स हो गया, हर स्किन टाइप में चलता है। ये मेरा ये पाउडर लगाया हुआ है और इसमें यहाँ ऐसे देख सकते हैं, इसमें नहीं लगाया है। ये स्किन काफ़ी स्मूथ लग रही है, इवन लग रही है। फ्रेंड्स ये रहा गाला ऑफ लंदन TL पाउडर का रिव्यू और अनबॉक्सिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपका कोई क्वेश्चन रहा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू।